हाँ जी, सुरजीत सिंह जी कदों हुए थे तो मेरी गैस्ट्रिक बाइपास? 8 जुलाई 2008। ओके, ऑलमोस्ट 7 साल हो गए ना ऑपरेशन। हाँ जी हाँ। तो कितना भार सी ऑपरेशन? तो 86 किलो। ओके, तो आज कितना है? आज आएगा 65.5 पॉइंट। ऑलमोस्ट 20 किलो थोड़ा भार घटिया ना। हाँ जी हाँ। ओके, तो की दिक्कत आती थी तुम ऑपरेशन तो पहला? शुगर की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह करके मैं ऑपरेशन लाया थे। अच्छा जी, तो हम ऑपरेशन तो बाद शुगर नहीं। वैसे शुगर कितनी पुरानी सी थोड़ी पहले? ए सी 98 तो। ओके, ते हुन ऑपरेशन तो बाद कोई टैबलेट वगैरह लाया नहीं? कोई शुगर की कोई नहीं। दूजी कैल्शियम सिट्रेट, मल्टीविटामिन, एक विटामिन रिकोडियम। ओके, ते शुगर दी अंकल ऑपरेशन तो एकदम बाद छाड़ती सी या थोड़े टाइम ले? ना ना, अच्छी छाड़ती सी। डॉक्टर साहब ने अच्छी गोलियां जड़ियां सी ना मैं लेके आया सी, कहंदे जेड़े अच्छी छाड़ मुड़ के मैं ले नहीं सकूं। मतलब शुगर ते थोड़ा ऑपरेशन तो बाद एक वधी कंट्रोल हो गया? हां जी हां। ओके, तुसी ये थोड़ा डाइट दा ज्यादा ध्यान रखना, जिवें दूध हो गया, दही, लस्सी, कच्चा पनीर, ये सब ज्यादा लेना। बाकी अगर नॉन वेज ले लेने हो तो वो डेली मांगी? नहीं, नॉन वेज दी ना ने दस्सेस, नॉन वेज तो मैं पहले तो ही लंदा ही। हां, नॉन वेज भी डेली मांगी लो, क्योंकि भार भी घटे, ऑपरेशन हो रखे है, इसलिए अब कमजोरी नहीं आण देनी शरीर दे विच, इसलिए खुराक वधिया लेनी है। ठीक है। बाकी मल्टीविटामिन तुसी खा ही रहे हो जिद्दा, वो भी तुसी कंटिन्यू लेंदे रहने? ये उधर 1000 mg ये करते हो सिट्रेट? हां जी। ते रिकोनियम? हां, वो तुसी कंटिन्यू रखने है ताकि कोई बॉडी च कमी ना होवे, कोई वीकनेस ना होवे। और साल दे विच एक बारी तुसी अपने ब्लड दे टेस्ट भी जरूर करवाने है, ताकि अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है किसी चीज़ की अपन रोल आउट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है जी। ठीक, थैंक यू।